जिलाधिकारी ने किया औचक गौशालाओं का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। सर्दी बर्फीली हुई तो जिलाधिकारी कन्नौज को गौवंशों की याद आ गई। वह अचानक जिले की गौशालाओं के निरीक्षण पर निकल पड़े। कई ब्लॉकों में गौशालाओं के निरीक्षण के बाद उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने किसान सहायता केंद्र पर छापा मारकर यहां किसानों से हो रही लूट को भी बंद कराया। कन्नौज जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा अचानक गौवंशों का हाल जानने निकल पड़े। सबसे पहले डीएम का काफिला सदर ब्लॉक के सहजापुर गांव पहुंचा। यहां चारे में कमी पाए जाने पर उन्होंने सचिव को कड़ी फटकार लगाई और चारे के इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके बाद वह नेरा की गौशाला पहुंचे। यहां कई गौवंशों की बोरी ढकी न देख उन्होंने डीएसओ को बोरी के इंतजाम करने को कहा। जिला अधिकारी उर्मदा के बेहटा व तालग्राम के रोहली गांव की गौशाला भी गए। यहां उन्होंने गौवंशों को अपने हाथ से गुड़ खिलाया। यहां सोलर लाइट न देख वीडियो को सभी गौशालाओं में सोलर लाइट लगवाने के निर्देश दिए। तालग्राम के ही किसान सेवा केंद्र पर डीएम ने अचानक छापा मार दिया। यहां उन्होंने किसानों को नैनो यूरिया इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। यहां पल्लेदारी चार्ज के नाम पर किसानों ने ज्यादा रुपए वसूलने पर वह भड़क गए और केंद्र प्रभारी को फटकार व प्रस्तावित दर से एक भी पैसा ज्यादा न लेने के निर्देश दिए। संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। गौशालाओं का निरीक्षण किया गया, उसमें क्या स्थिति पाई सर? आज हमारे द्वारा 3 विकास खंड के 4 गौशालाओं का निरीक्षण किया गया। सामान्य तौर पर निरीक्षण में जानवरों को बचाव की ठंड से बचाव के लिए तिरपाल इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं मिली, भूसा चारा भी पर्याप्त मिला। कुछ जगहों पर सेट थोड़ा कम था तो ये बताया गया कि वो गौशाला दूसरे जगह से शिफ्ट होके यहाँ आई है, तो वहाँ के जो सेट हैं वो ही लगने हैं, उसको तत्काल कराने का निर्देश दिया गया है। गौशालाओं में थोड़ी साफ सफाई की कमी पाई गई है, इस पर ये निर्देश दिया गया कि जो हमारे सफाई कर्मी उनका ग्रुप बना करके और प्रतिदिन इनकी साफ सफाई कराई जाए। एक आध गौशाला में दाना नहीं था, उनके लिए आज ही हमने 10 बोरी दाना उपलब्ध करा दिया। और ये निर्देश दिया गया है कि जहाँ हरा चारा बोया गया है या जो उपलब्ध हो जा रहा है उसके इतर कहीं भी अगर जहाँ हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा वहाँ दाना की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाए। और हम लोग खुद इसको देख रहे हैं कि हमारी प्रत्येक गौशाला में जो जानवरों के लिए दाना है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, इसी के साथ आपने आज खाद वितरण का भी एक सहकारी समिति का निरीक्षण किया, उसमें क्या पाया सर? तालग्राम के सहकारी समिति का निरीक्षण किया गया तो खाद की बिक्री के लिए वहाँ काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ हमने लोगों को ये मोटिवेट किया कि जो हमारी नैनो यूरिया आई है ये लिक्विड फार्म में है, इसको स्प्रे किया जाता है, इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो ये किसान के लिए फायदेमंद भी है, पैसा भी इसमें कम लगना है और इसका लाभ भी किसानों को अच्छा मिलता है। तो चूँकि लोगों में अभी इसको लेकर के बहुत जागरूकता इसलिए नहीं दिखी कि लोग कम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हमने कन्विंस किया कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं आप उनसे बात करिए या अपने खेत में थोड़ी मात्रा ले जा करके यूज़ करिए, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वो फायदेमंद है तो ज़्यादातर आप उसको यूज करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।